नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मराठा साम्राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में अपने उत्कर्ष के चरम पे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मराठा साम्राज्य में मराठा कौन थे, उसका परिचय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष का या उदय का क्या कारण था। उसके बाद मराठा साम्राज्य के कौन कौन से शासक आए और प्रमुख शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मराठा साम्राज्य के प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम लोग आंग्लो और मराठा के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वीडियो सीरीज का 3-4 वीडियो आएंगे दोस्तों। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मराठा साम्राज्य से काफी सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य के परिचय से कि मराठा कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो परिचय, मराठा साम्राज्य को मराठा परिसंघ के रूप में भी जाना जाता है। मराठा साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मराठा परिसंघ के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी दक्कन के पठारों में मराठी योद्धाओं का एक समूह था, जो कि मुख्यतः हिंदू ब्राह्मण थे तथा जिनकी भाषा मराठी और संस्कृत थे। अब ये दक्कन के पठार में मराठी योद्धाओं का एक समूह था। तो चलिए हम दोस्तों उस समय तत्कालीन भारत के भौगोलिक मैप पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस समय उसका पोजीशन, उसका स्थिति कहाँ पे था और उस समय तत्कालीन कौन कौन शासक शासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि ये भारत को बीचों बीच जो पर्वतमाला काटती है उसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला से ऊपर को हम लोग जनरली उत्तरी भारत के रूप में देखते हैं और नीचे को हम लोग दक्षिणी भारत के रूप में देखते हैं। तो दक्षिणी भारत में यहां से लेकर के जो ये पूरा क्षेत्र है वो डेक्कन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये पूरे क्षेत्र को हम लोग डेक्कन प्लेट के नाम से जानते हैं, दक्कन के पठार के रूप में जानते हैं। इस क्षेत्र में जो ये पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिमी दक्कन के पठार में जो क्षेत्र था उसमें जो पहाड़ों में योद्धा रहते थे वही मराठा योद्धा रहते थे, जहां के भाषा मूलतः मराठी और संस्कृत हुआ करते थे और वहां पे हिंदू मुख्यतः ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे गुजर बसर करते थे, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य का उदय का कारण था। अब ये अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में इस क्षेत्रों में मुख्यतः मुगल के शासन थे और मुगल शासक उस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे। अब मुगल शासक औरंगजेब का महत्वाकांक्षा बढ़ा और वो दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य को फैलाना चाह रहे थे। और हम जानते हैं कि दोस्तों कि मुगल जो शासक औरंगजेब थे वो बहुत ही शरिया आधारित कानून के समर्थक थे, वो इस्लाम और कुरान पे शासन को चलाते थे और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्मों के लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें। और ये प्रेशर जब इस क्षेत्र में आई कि जब मुगल शासक अपना विस्तार दक्षिणी भारत में करने लगे और यहाँ पे जब मराठाओं पे ये बात आई कि आप भी इस्लाम धर्म कबूल करो, तो उस समय ये मराठा इसके विरोध जताने लगे। इसके अलावा अगर हम 1300 और 1400 ईस्वी की बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें तो ये कृष्णा नदी के ऊपर का जो एक साम्राज्य हुआ करता था वो बहमनी साम्राज्य हुआ करता था और नीचे का साम्राज्य हुआ करता था वो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन 1500 ईस्वी से पहले तक ये जो ये पूरा बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट गया था, जिसमें एक भाग था बीजापुर का और गोलकुंडा का, बाकी 3 अन्य भाग थे। तो ये क्षेत्र जो थे मुख्यतः बीजापुर के अंदर में आते थे, बीजापुर के सुल्तान के अंदर में ये मुख्यतः क्षेत्र आया करते थे जिस समय मराठा का उदय हो रहा था। और इससे नीचे जो था वो विजयनगर साम्राज्य था। लेकिन 1565 ईस्वी के बाद जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो यहाँ पे जो पांचों बहमनी के पांचों राज्य थे वो सारे मिल करके विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया, जो कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू आधारित शासक थे उसका अंत कर दिया।
और यहाँ पे जो बीजापुर के सुल्तान थे वो इस्लाम धर्म को वो भी प्रचार प्रसार करने लगे, और साथ में जब मुगल आए तो मुगल के प्रभाव में बीजापुर के शासक भी आ गए और इस क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई। ठीक है, तो जिस अराजकता को खत्म करने के लिए ये मराठी योद्धा लगातार प्रयास कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर की भारत की स्थिति थी कि उत्तर भारत में मुगलों का शासक था और जो मराठा का उत्कर्ष हो रहा था उस समय बीजापुर उसके कंपटीशन में थे, उस बीजापुर का सुल्तान उस क्षेत्र में मुख्यतः शासन कर रहे थे जिसका विरोध ये मराठी कर रहे थे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह एक पश्चिमी दक्कन के पठार में मराठी योद्धाओं का एक समूह था जो कि मुख्यतः हिंदू ब्राह्मण थे और उसको अपने हिंदू होने पर गर्व था, जिनकी भाषाएं मराठी और संस्कृत थी और वो अपने सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखना चाहते थे और चाहते थे कि भारत एक जो कई वर्षों से मुगलों के शासन में चली आ रही है और जिसपे इस्लाम धर्म का मुख्यतः शासन है उसको एक हिंदू राष्ट्र में निर्माण करने के लिए वो काफी प्रेरित थे। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष का मुख्य कारण दक्षिण भारत में व्याप्त अराजकता, वही मैंने आप बताया दोस्तों कि जब तालीकोटा का युद्ध हो गया तो कोई एक शासन बचा नहीं, बहमनी साम्राज्य भी खत्म हो गया और विजयनगर भी साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद जो छोटे छोटे राज हुए वो आपस में लड़ रहे थे और एक अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तो अराजकता जो व्याप्त थी उसके कारण मराठी योद्धा उसको दबाने के लिए उसे खत्म करने के लिए प्रेरित थे। उसके अलावा तथा मुगल साम्राज्य का जो उस समय शासक औरंगजेब था का दक्षिण भारत में विस्तार था, जो मुगल शासक औरंगजेब था वो चाह रहे थे कि हम अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत में भी विस्तार करें, दक्षिण भारत में विस्तार था जिनका विरोध मराठा करने लगे, इस क्षेत्र के जो मराठा थे हिंदू वो उसका विरोध करने लगे। जब ये योद्धा एवं क्षेत्र शिवाजी भोसले नामक एक प्रमुख योद्धा के नेतृत्व में आया तब मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। अब इस क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख योद्धा हुए जिसका नाम था शिवाजी भोसले, जिसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी कहा जाता है, जिसको हम लोग छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जानते हैं। तो वो जब ये मराठा के सारे योद्धा और ये क्षेत्र जो शिवाजी भोसले नामक एक प्रमुख योद्धा के शासन के अधीन आए तो यहाँ से क्या हुआ कि इन मराठाओं को विजय मिलना शुरू हुआ और वहां से वो अपने सपने को साकार करने के लिए हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। शिवाजी ने इसे हिंदवी स्वराज शब्द का नाम दिया, जो स्वराज वो बनाना चाह रहे थे शिवाजी उसको उसने हिंदवी साम्राज्य मतलब हिंदुओं के लिए स्वराज का नाम दिया, जिसने हिंदुओं के बीच स्वशासन का आह्वान किया, सभी हिंदुओं को वो आह्वान किया कि आइए हमें अपने शासन हमारे देश में करना चाहिए। मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए मराठा दृढ़ थे क्योंकि वे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमने यहाँ पे बताया है। इसके अलावा क्या थे कि जो 1657 ईस्वी में मुगलों से शिवाजी का जो टकराव था, जो मुगल इधर साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे और औरंगजेब के कंपटीशन में जो शिवाजी का एक प्रतिद्वंदिता थी, वो जो टकराव था वो मुगलों के प्रति घृणा के एक मुख्य कारण था। तो ये मराठा का एक कुल मिला के परिचय था दोस्तों। अब हम देखते हैं कि शिवाजी जो संस्थापक थे तो वो कैसे मराठा साम्राज्य को संस्थापित किए और उसके जो आने वाले और सब राजा थे वो कैसे थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों मराठा साम्राज्य के शासक के बारे में और उनके क्या क्या शासन काल रहे उसके बारे में। तो शासक में बात करें दोस्तों, तो जो सब पहला शासक रहा वो शिवाजी भोसले रहा। शिवाजी भोसले जिसको मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, उसके दो पुत्र हुए संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम दोनों सौतेले भाई थे क्योंकि शिवाजी की टोटल 7 पत्नियां थी, तो संभाजी अलग माता के पुत्र थे और राजाराम अलग माता के पुत्र थे। संभाजी बड़े थे और राजाराम छोटे थे। इसके बाद जो शासन हुए वो संभाजी के पुत्र साहू जी ने किया और साहू जी और उसी समय शिवाजी राजाराम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय जो कि छोटे थे, तो उसके संरक्षक के रूप में राजाराम की जो वाइफ थी राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई जो थी वो मराठा साम्राज्य को मराठा साम्राज्य के शासिका के तौर पे कुछ दिन के लिए शासन की थी। तो ये कुछ प्रमुख मराठा के शासक रहे। उसके बाद पेशवाओं का शासन शुरू हुआ जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों शिवाजी भोसले से जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक, उनका जन्म जो था 1627 में हुआ था और मृत्यु
1680 में 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। अब शिवाजी भोसले जो मराठा थे वो उन लोगों का जो युद्ध पद्धति था वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी या छापामार युद्ध पद्धति था। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या होता था दोस्तों कि पहाड़ों से छिपके दुश्मनों पे वार किया जाता था, दुश्मनों पे आघात लगा करके उसको मारा जाता था ताकि दुश्मन को समझ ना आए कि अगला मेरा जो दुश्मन है या अगला आक्रमणकारी है वो कौन अटैक कर रहा है। तो इस तरह से उनका युद्ध पद्धति था। शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो शिवनेर में हुआ था, जो एक दुर्ग थी, शिवनेर जो दुर्ग था और करेंटली ये अभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था और इसी शिवनेर के शिवनेर से ही उनका नाम शिवाजी पड़ा था क्योंकि शिवनेर में एक देवी का पूजा किया जाता था जिसका नाम था शिवनेरी देवी। पिताजी उनके कौन थे तो साजी भोसले थे जो कि वो भी मराठा योद्धा थे, सैनिक सिपाही थे और शिवाजी को प्रशिक्षण अपने पिताजी साजी भोसले से ही मिला था। माता का जो नाम था उनका वो जीजाबाई थी। ठीक है दोस्तों, गुरु गुरु की बात करें तो उनके दो गुरु थे, एक गुरु थे रामदास जो आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के और दूसरा गुरु थे दादाजी कोंडदेव जो कि राजनीतिक गुरु थे। तो ये शिवाजी के कुछ प्रमुख बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब शिवाजी का अगर हम शुरुआती सैन्य अभियान की बात करें जो उनके साम्राज्य का विस्तार किया, तो जो उन्होंने शुरू किया था सिंहगढ़ का किला जो जीता था वो 1643 ईस्वी में पहले जो जीता था, उसके बाद पुरंदर का किला इसने 1654 ईस्वी में जीत लिया, तीसरा जो था वो बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध उन्होंने किया था 1659 ईस्वी में। अब क्या हुआ था दोस्तों कि जो शिवाजी का जो उत्कर्ष बढ़ते जा रहा था तो उसको अंकुश लगाने के लिए जो बीजापुर के सुल्तान था, मैंने आपको पहले बताया था कि जब मराठा का उत्कर्ष हो रहा था तो उसके जो सबसे प्रमुख बाधा थे वह या आप कह सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो प्रतिद्वंदी बीजापुर के शासक की थे। तो बीजापुर के शासक ने उस शिवाजी पे अंकुश लगाने के लिए अपने एक बहुत ही चालाक और सख्त सेनापति अफजल खां को भेजा था, बट अफजल खां को शिवाजी ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उसका वध कर दिया था। तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में। उसके नेक्स्ट में क्या हुआ था कि औरंगजेब जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था और उसको सबसे बड़ा जो बाधा महसूस हो रहा था वो शिवाजी का उत्कर्ष हो रहा था। शिवाजी जो अपना मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहा था वो मुगलों के लिए सबसे बड़े बाधा बन गए थे। तो कई बार औरंगजेब के मुगल सेना से शिवाजी का भिड़ंत हुआ जिसमें शिवाजी हमेशा मुगल सेना को मात देते रहे। तो इसी क्रम में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पे जीत करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी पराजित कर दिया था और ये घटना 1663 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं दोस्तों कि उसके बाद जो हुआ था तो सूरत पे उन्होंने शिवाजी ने प्रथम लूट की थी वो 1664 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पुरंदर की एक संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। अब पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में क्यों हुई थी उसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों कि जो शिवाजी ने सूरत पे लूटा था 1664 ईस्वी में और काफी सारे धन वहां से लूटे थे, काफी सारे रुपये वहां से लूटे थे, तो वहां एक राजा था कछवाहा राजा जयसिंह, वो औरंगजेब के निर्देश पे सूरत के लूट का बदला लेने के लिए शिवाजी पे जयसिंह ने क्या किया आक्रमण कर दिया और उसमें क्या हुआ जयसिंह का पलड़ा भारी रहा और शिवाजी को मजबूरन पुरंदर की संधि करना पड़ा, उसके साथ जयसिंह के साथ समझौता करना पड़ा। और इस संधि में क्या हुआ था तो शिवाजी को बहुत ही नुकसान हुआ था। उस जो शिवाजी 35 किले के आसपास जीते थे उसमें से करीब करीब 23 किले उनको जयसिंह को उनको देना पड़ा था। उसके बाद उसका जो पुत्र था संभाजी को मुगल शासन में उसको मनसबदारी पे भेजना पड़ा था। तो इसमें क्या हुआ था शिवाजी को बहुत ही नुकसान हो गया था। जब संभाजी को मुगल दरबार में ले जाया गया था उसके बाद शिवाजी जब उनसे मिलने गए थे मुगल दरबार में तो वो गए थे 1666 ईस्वी में। तो शिवाजी जब 1666 ईस्वी में गए थे मुगल दरबार में तो उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको 1666 ईस्वी में कैद कर लिया, लेकिन किसी तरह से शिवाजी आगरा के किले से जहां पे शिवाजी को कैद किया गया था, नजरबंद किया गया था, वो आगरा के किले से किसी तरह से शिवाजी वहां से भाग गए और फिर से अपने मराठा साम्राज्य में वापस आ गए। वापस आने के बाद 1670 ईस्वी में उसे सूरत पे दूसरी लूट
डाली थी, मानी दूसरी दूसरा बार लूप उसने 1670 ईस्वी में किया था शिवाजी ने। जब इतने सारे करने के बाद मराठा के साम्राज्य में काफी वृद्धि होगी, तब जाकर के शिवाजी राज्याभिषेक अपना करवाया और राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया। इसीलिए दोस्तों वहां से हम एक्चुअली मराठा साम्राज्य को काउंट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था मराठा एम्पायर 1674 से 1818 तक। ठीक है दोस्तों, तो जब राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ तो एक प्रॉपर तरीके से मराठा साम्राज्य का स्थापना हो गया। और मराठा साम्राज्य जब स्थापना हुआ तो राज्याभिषेक बहुत ही भव्य तरह से शिवाजी करवाया था। उसमें उसने बनारस के जो सबसे बड़े पंडित थे, पंडित विशेश्वर या जिसे गंगा भट्ट भी कहते हैं, उसको बुला करके राजाभिषेक करवाया और सारे हिंदू शासक या गैर हिंदू शासक में एक संदेश भेज दिया था कि अब जो है हिंदुओं को अपना राष्ट्र निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उस राज्याभिषेक में करीब 50,000 से ज्यादा जनता और आसपास के जो भी भारत के शासक थे वो उसमें उपस्थित हुए थे। उसी राज्याभिषेक में शिवाजी को छत्रपति का उपाधि दिया गया और उसके बाद से जो भी मराठा शासक आए उस पे छत्रपति का उपाधि आते गया या लगते गया। ठीक है दोस्तों, और जब ये इतने बड़े भव्य राज्याभिषेक हुआ तो वो एक तरह से मुगल साम्राज्य को चुनौती भी थी और चेतावनी भी थी कि अब आपका शासन को मैं समाप्त करूंगा और हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। 1674 में जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उसी साल 1674 में ही खान देश पे शिवाजी ने छापामार पद्धति से उस पे जीत हासिल कर लिया। फिर 1677 में गोलकुंडा जो कि बहमनी साम्राज्य का टूटा हुआ भाग था या राज्य बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद गोलकुंडा का निर्माण हुआ था, गोलकुंडा के शासक से 1677 ईस्वी में शिवाजी की एक संधि हुई और संधि में शिवाजी का यह शर्त था कि हम दोनों मिलके मुगल शासन का विरोध करेंगे। तो इसी शर्त पे गोलकुंडा के शासक के साथ 1677 ईस्वी में शिवाजी की संधि हुई। उसी साल संधि के बाद उसने कर्नाटक पे जीत हासिल किया जो कि उसका लास्ट अभियान था और कर्नाटक पे अभियान के बाद जिंजी और वेल्लोर के किले पे उसने जीत दर्ज की जो शिवाजी का लास्ट जीत था। ठीक है दोस्तों, तो ये शिवाजी का कुछ प्रमुख सैन्य अभियान थे जो मराठा के उत्कर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो था साहू जी वो शासन का कमान संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो नेक्स्ट हम छत्रपति या मराठा साम्राज्य के शासक का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आया हो वीडियो को तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से अगर देखे होंगे दोस्तों तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है इनायत खान, बी ऑप्शन है अफजल खान, सी ऑप्शन है शाइस्ता खान, डी ऑप्शन है सैयद बंदा। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और कि 1674 ईस्वी में जब शिवाजी राज्याभिषेक करवाया था तो वो रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था और रायगढ़ को ही उसके बाद वो अपनी राजधानी बना लिया था दोस्तों। तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय दोस्तों।